नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आए हैं। ये सेकंड पार्ट है हमारी फ्लावर हॉर्न सीरीज़ का। पहले एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ जब हम लोगों ने फ्लावर हॉर्न मंगाया था। ये एक्चुअली हमारे अपने फ्लावर हॉर्न से, जब ये मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगा आप देख लीजिएगा कि जब ये आए थे तब इनका कलर और पैटर हेड का कैसा था और आज की डेट में इनके हेड किस तरह से हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने दो फ्लावर हॉर्न है। जब हमने मंगाया था तो इनका हेड स्ट्रेस में था। हमेशा याद रखें, जब कभी आप फ्लावर हॉर्न बाहर से मंगाते हैं तो एकदम से उसके हेड को मत जज किया करें। और एक चीज़ और, सिर्फ हेड पे ध्यान ना दें, उसके पूरे बॉडी के पैटर्न पर, पूरी बॉडी के कलर पे ध्यान दें। आप देख सकते हैं इसका हेड, ये ट्रिपल ए ग्रेड है, SRT फ्लावर हॉर्न है। आप अगर इसका पैटर्न देखेंगे धीरे धीरे एनहेंस होना शुरू हो गया है। और आप अगर इसकी पूरी बॉडी की बात करें, ये देखिए आप किस तरह से इसका हेड निकल चुका है। बॉडी पर भी पैटर्न इसका प्रॉपर है। फ्लावर हॉर्न में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, फ्लावर हॉर्न में आजकल बहुत फ़र्क आ रहा है। जैसे कि अगर आप वो फ्लावर हॉर्न इंडियन ब्रीड लेंगे, इंडियन ब्रीड में और इंपोर्टेड ब्रीड में फ़र्क होता है। पैटर्न में भी फ़र्क होता है, क्वालिटी में भी फ़र्क होता है और कलर्स में भी फ़र्क होता है। अगर मैं आपको साइड से अगर हो पाए मैं दिखाऊँ आपको, तो ये आप देखिएगा, ये प्रॉपर इंपोर्टेड ब्रीड है, इंडियन ब्रीड नहीं। देखिए आप साइड से अगर इसका कलर और हेड अगर आप देखना चाहें। फीडिंग की बात करें, हम लोग इसको हकानी ब्रांड का फ्लावर ऑन हेड बूस्टर आता है, फूड स्टिक आता है वो भी देते हैं। और आप इसको बाकी नॉर्मल अगर देखना चाहें तो हकानी का सिकलेट फिश फूड आता है, वो भी डाल सकते हैं। कलर बहुत सुपीरियर है, बहुत एनहेंस है। बाकी इसके बारे में मैं, जो लोग नए हैं, बिगनर हैं, फ्लावर हॉर्न अगर रखना चाहते हैं, इसकी अच्छी बात यह है आप इसको एक फिट के टैंक में भी रख सकते हैं। और फ्लावर हॉर्न के लिए फ़िश टैंक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं RS कंपनी का फ़िश टैंक है। इसके अगर मॉडल की बात करें 480, इस फिश टैंक में एक फ्लावर हॉर्न बहुत अच्छे से चल जाता है। और ज़्यादातर फ्लावर हॉर्न अकेला ही चलता है, बहुत ही रेयर केसेज़ होते हैं जिसमें आप एक की जगह उनके साथ मल्टीपल फिशेज़ भी डाल सकते हैं। तो ये मॉडल नंबर मैंने आपको बता दिया। इसकी लेंथ की बात करें 18 इंच होगी, हाइट 15 इंच होगी और चौड़ाई की अगर बात करें तो 12 इंच है। जो टैंक मैंने आपको दिखाया ये फ्लावर हॉर्न के लिए बहुत अच्छे से सुटेबल है। टैंक हमेशा याद रखें, एक फिट का टैंक भी अगर है तो चल जाएगा। बाकी अगर रिकमेंडेड की बात करें, अच्छा टैंक, तो मिनिमम 1.5 फिट और मैक्सिमम 2 फिट। बड़ा अगर आप जितना भी रखना चाहें कोई नुकसान नहीं है, जितना बड़ा टैंक होता है उतना अच्छा होता है, उतना ही फेवरेबल है। अब आप ये देख लीजिए, इसका साइड से कलर और पैटर्न देखिए किस तरह से है। ये मैं आपको फ्लावर हॉर्न को हम लोग जो फीड करते हैं वो भी दिखाता हूँ। ये फ्लावर हॉर्न की फूड स्टिक आती हैं, स्पेशली हम लोग इसको डाला करते हैं। कभी कभार हम इसको पैलेट भी डाल देते हैं, हकानी का ही, इसी ब्रांड का। ये इंडियन ब्रांड है, बहुत अच्छा फूड है, सभी फिशेज़ पर आप लोग ट्राई कर सकते हैं इनके फूड। ये फूड स्टिक आप देख लीजिए। बाकी अब जैसे जैसे सर्दी आ जाएंगी, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, जब भी फ्लावर हॉर्न मंगाते हैं उसके अंदर हीटर लगाते हैं 12 महीने। आप हमारे टैंक देख सकते हैं, इसके अंदर किसी तरह का कोई हीटर नहीं है, ना ही हमने लगाया कभी। पर हाँ, अब जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, अगर लगा हमको तो फिर तो लगाना ही पड़ेगा आगे, पर इन दिनों अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए इसका हेड, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा फ्लावर हॉर्न से रिलेटेड, जिसमें आपको हम लोग बताएंगे अगर फ्लावर हॉर्न पर कोई डिजीज़ आ जाती है या इसका पानी चेंज करना हो तो कैसे पानी चेंज करते हैं। देखिए फ्लावर हॉर्न का कभी भी पूरा पानी ना चेंज करें, जब भी आप पानी चेंज करें 60-70% पानी चेंज करें, सारा मत करें। फीडिंग मैंने आपको बता दी, दिन में 2 बार फीडिंग करें और कोशिश किया करें कि थोड़ा बहुत श्रिम दे दिया, कभी मील वॉर्म दे दिया, कभी आपने इसको ट्यूबीफेक्स वॉर्म फीड कर दिया। या आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें कितना पैटर्न आप इसको देख सकते हैं। बाकी अगर आपके अंदर कोई भी, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। बाकी जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फ्लावर हॉर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।